आज स्टूडेंट आपके लिए एक अच्छे से सवाल, नए तरीका का सवाल। आप ऐसे सवाल को देखने से, कोई भी सवाल को देखने से आप डरे नहीं, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहे। मैं जिस तरह सवाल को बना के दिखा रहा हूँ, सेम उसी तरह से आप भी सवाल को बनाएंगे, आपको कहीं किसी तरह की कठिनाई नहीं होगा। मैं भी आपके तरह ही था, लेकिन आज मैं बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस आ गया, इसलिए मैं आपके सवाल को बना करके दिखाता हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं, मैंने कम्पिटेटिव एग्जाम को निकाला भी है, एक एग्जाम नहीं बल्कि कई एग्जाम निकाला हूँ। फिर भी मैं चाहता हूँ, मुझे इसी में इंजॉय आता है, मुझे किसी को बताने में इंजॉय आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप भी आगे सक्सेस हो। मैं पहले भी शिक्षा से ज़्यादा इंटरेस्टेड था, आज भी मैं शिक्षा से इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए आप जो है मेरे वीडियो को देखें। मैं भी चाहता हूँ कि आप जो आपका जो है चॉइस, जो आपका एम है, आपके एम तक, आपके लक्ष्य तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन है। आप किसी भी क्वेश्चन सवाल से डरे नहीं है, कोई भारी नहीं है, पहले एक बार समझे, फिर दोबारा आप बनाएंगे तो धीरे धीरे आपसे भी बनने लगेंगे। यदि नहीं बनेंगे तो आप मेरे चैनल में कमेंट करें और मैं उसका जवाब दूंगा, आपको कहाँ कठिनाई हो रहा है, आप क्या नहीं समझ कर पा रहे हैं। अगर जो आपको ज्यादा कठिनाई हो रहा तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7598313830 पे आप जो है कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 120 रुपया की अपेक्षा 140 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना होता है, फायदा जो है वह दुगना होता है, तो ऐसे सवाल को आप कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला कर लगाने की कोई जरूरी नहीं है, बिना फॉर्मूला को आंसर दिखाई दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है। 120 रुपया की कोई वस्तु बेचा गया और 120 नहीं बल्कि 140 रुपया में बेचते तो दुगना प्रॉफिट होता है। 20 से 40 आने में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 20 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो इससे पहले भी 20 रुपया की प्रॉफिट लिया है तो 20 रुपया इसमें घटा दीजिए, कितना रुपया हो गया पहले इसका करें हो गया 100 रुपया। 100 रुपया की वस्तु था, 120 में रुपया में बेचा, 20 का प्रॉफिट होगा, 140 में बेचता तो फिर 20 रुपया प्रॉफिट होता, यानी 20-20-40 दुगना प्रॉफिट हो गया आपको। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सवाल में कोई दम नहीं था, सिर्फ समझने की फर्क था। थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से मैं लाया हूँ। किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ, उस वस्तु के लाभ उस वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर हुई हानि की दुगनी है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने के लिए, फ्रेंड अच्छे अच्छे सवाल को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाएं और बेल घंटी को भी दबाएं, ताकि जो भी अच्छे अच्छे सवाल को मैं बना करके लोड करूं आपके तक पहुंच पाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको सफलता मैं जरूर दिलाऊंगा जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो ये सवाल है, बिना फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बल्कि आपको भारी लग रहा, बल्कि यह सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम आसान सवाल है। सोचना और बनाना, समझना क्वेश्चन को और आंसर देना, एकदम आसान ट्रिक है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है 700। कैसे 700 है? आपका क्वेश्चन है कि 800 रुपया में जो बेचते हैं वस्तु को, 500 रुपया में जो वस्तु को बेचते हैं, जितना प्रॉफिट होता है, मान लें एक गुना प्रॉफिट होता है तो हानि होता है दुगुना 500 बेचने पर। अगर 800 में बेचेंगे तो एक गुना लाभ होगा, 500 बेचेंगे तो दुगुना हानि होगा। टोटल जो है डिफरेंस क्या होगा? 213। बस तो ये जो पैसा के डिफरेंस कितना है? 300 रुपया है। तो 3 से ही जोड़ करके 2+1=3 है, इस 3 से आप इसमें डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 निकल जाएगा। तो ये 800 में एक गुना माइनस कर दीजिए, एक गुना माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें एक गुना प्लस क्योंकि हानि हुआ है, इसको बैक क्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ना होगा, इसमें लाभ हुआ है क्रय मूल्य निकालने के लिए घटाना होगा, तो 100 इसमें माइनस कर दीजिए, एक गुना माइनस कर दीजिए तो हो गया 700 रुपया। इधर से 500 में दो गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा 700 रुपया, आपका आंसर हो गया 700 रुपया। देखिए दोस्तों कितना आसान से सवाल को बना लिए, सवाल को बनाने में कुछ नहीं लगता है, सवाल को सोचिए, देखिए, समझिए और आंसर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, परीक्षा में तो आता ही है, क्वेश्चन आता ही है, और इसे बनाने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका क्या है, आप जो इसे फॉर्मूला के आधार पर बना सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं तो भी बना सकते हैं। तो बनाने का क्या तरीका है, या एक्स समतुल्य बट्टा निकालना है, समतुल्य बट्टा क्या है, समतुल्य बट्टा बराबर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटे 100। यह फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला पे बना रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 10+20-10×20/100, कितना हो गया 30-2/28%, समतुल्य बट्टा 28%। दूसरा इसे बनाने का विधि है, दूसरा विधि जो आप बना सकते हैं, इसे आप कैसे बनाएंगे, इसे बनाने का है 10% छूट दे दीजिएगा, किसी वस्तु पे 10% छूट दीजिएगा तो आपको कितना बचेगा 90, फिर 20% छूट दीजिएगा कितना बचेगा 100 में, आपको बचेगा 80। तो आप इसे गुना काट दें, इसे काट दें, आपका क्या बच गया 100 बटे 72
आप इस दोनों को घटा दें, आपका आंसर हो गया माइनस कर दें, आपका आंसर कितना हो गया 28%। दोनों तरीका बनाने का है, जो तरीका अच्छा लगे आप। उसके ही दिल में अब तो